अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस बार अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को जायज ठहराया है। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई की तुलना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कर दी है। बर्क के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों, तालिबान वहां की ताकत है। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आज़ादी अफगानिस्तान का अपना मामला है, अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है, अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आज़ादी चाहते थे, भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई कब्जा करने अगर आएगा तो उसे लड़ने को देश मजबूत है। इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं, कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज होता, यह बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से आज़ादे इलाही है जो कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़ाकर माफी मांगने से ही खत्म होगी। बर्क ने योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कानूनों को भी मुस्लिम को परेशान करने का हथकंडा बताया था। उन्होंने पैदाइश को अल्लाह का कानून बताया था और कहा था कि कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया है और अपने शासन की घोषणा की है। अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर ओमान में शरण ले ली है। गनी ओमान से अमेरिका जा सकते हैं। जो बाइडन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया था। तालिबान लड़ाकों ने 2 महीने पहले भी कम समय में अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया।